मॉडर्न मैकेनिज्म था वो दिया था एक साइंटिस्ट, दैट इज वेगन साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई किया, और उस मैकेनिज्म जिस मैकेनिज्म को इन्होंने फॉलो किया उसको हम बोलते हैं मॉडर्न मैकेनिज्म, और इसका दूसरा नाम है मोदरी रीअरेंजमेंट। सो इस मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप तो सेम था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव। सो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप तो सेम है, एमिली फिशर ने भी यही बोला था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द वेगन यहाँ पे होगी टोटोमेरिज्म, ये स्टेप शो करेगा टोटोमेरिज्म। देखो कैसे, अगर मैं उसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँ क्या होता है टोटोमेरिज्म, ये देख लो एक बार। अगर मेरे पास होता कीटो ग्रुप और यहाँ पे कुछ ऐसा होता, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है, तो ये कीटो ग्रुप चेंज हो सकता था इनोल ग्रुप पे, इनोल ग्रुप में ये इजीली चेंज हो सकता था। कैसे, ये क्या था पार्शली, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है ये ग्रुप, ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन, ये नेगेटिव होने की वजह से ये इस हाइड्रोजन को लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड H, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन के साथ न्यू बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ पे एच पॉजिटिव जाएगा, और ये वाला बॉन्ड है जो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, सो दैट के कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा, यहाँ पे ये कीटोन था, यहाँ पे ये बन गया इन, यहाँ का आया ऑल एल्कोहल का, तो ये बन गई किट इनोल टोटोमेरिज्म। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ की प्लेस पे हमारे पास है डबल बॉन्ड एन, ऐसा है ना हमारे पास। समझाने के लिए मैं OH को इस साइड ड्रॉ कर रही हूँ और ये वाले एच को मैंने इस साइड ड्रॉ किया, ठीक है। अभी ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, वो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब इसको अट्रैक्ट करेगा इसका बॉन्ड बनेगा इसके साथ, तो इसके बॉन्ड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, ड्यू टू विच इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक H, यहाँ पे NH, PH, डबल बॉन्ड CH, बाकी सारे का ग्रुप एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टाइम में टोटोमेरिज्म होगी, और क्या शो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे होगी टोटोमेरिज्म, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को नाइट्रोजन खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आएगा यहाँ पे, और ये ऐसे ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर जाएगा, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ओके। अभी इस इंटरमीडिएट में ये है हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा OH, ओके। अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ ऐसे, यहाँ पे होगी अभी रीअरेंजमेंट, क्या होगी, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड है फिनाइल के साथ, ठीक है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अभी होगा क्या, हाइड्रोजन है अटैच्ड है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और नाइट्रोजन भी क्या है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। मैं क्लियरली यहाँ पे बताती हूँ, सिचुएशन ऐसी है, इसका मैं फिनाइल ग्रुप ऊपर बना रही हूँ, ये ऐसी है कंडीशन, ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और जो नाइट्रोजन वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इन दोनों में हो जाएगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच जो नाइट्रोजन के हो जाएंगे 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगी और ऑक्सीजन का बॉन्ड इसके साथ होगा ब्रेक, ऑक्सीजन इसको लेगी अपनी तरफ। तो देखो मैं इसको बनाती हूँ यहाँ पे साफ साफ, अभी ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, वो इस नाइट्रोजन के साथ बनाएगा न्यू बॉन्ड, मैंने जो शो किया न्यू बॉन्ड, जब इसका न्यू बॉन्ड बनेगा तो जो हमारा नाइट्रोजन है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये पॉजिटिव चार्ज को सहन नहीं कर पाएगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी और चली जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये बाहर क्या गया, तो जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा
तो ये ले लेगी इस बॉन्ड को अपनी तरफ। अब ये भी नाइट्रोजन है, ये भी इसका भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अब ये क्या करेगी, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस साइड, सो दैट कि नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड बने रहे। और अब क्या हो जाएगा, इसके बन जाएंगे तीन बॉन्ड, 1, 2 और 3। कैसे, मैं यहाँ पे शो करती हूँ। जब ये बॉन्ड, नीचे वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हो गए दो बॉन्ड, ये ऐसे ऊपर इसके, नीचे रह गया ये वाला कार्बन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड ये फ्री वाला जो हाइड्रोजन का था, और बाकी नीचे का एज इट इज। ये कार्बन की वैलेंसी तो हो गई कंप्लीट, लेकिन इस कार्बन के रह गए तीन बॉन्ड। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली होंगे ये सारे के सारे स्टेप। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, जब ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगी इस डायरेक्शन में, तो ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी भी हो जाएगी पूरी। तो बनेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और यहाँ से ये वाला ग्रुप एलिमिनेट कर जाएगा। ये ग्रुप था कौन सा, नाइट्रोजन है, उसके साथ दो हाइड्रोजन है, नीचे है फिनाइल रिंग, तो ये क्या था, ये है हमारा एनिलिन। यहाँ से जब नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ से रिलीज होगा एनिलिन। ओके, तो हमारे पास बना कार्बन डबल बॉन्ड एन, और उसके साथ ये वाला एक एच, ये कार्बन का एच, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ओ। ओके, सो देखो यहाँ पे ये ग्रुप है इमीन, इसको हम बोलते हैं इमीन, और ये है हमारा कीटोनिक ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे इमीनो कीटोन। ठीक है, ये बना हमारा एक इंटरमीडिएट, और यहाँ से हमारे पास जो बाहर गया पहले एनिलीन, और यहाँ पे हमने यूज़ किया फर्स्ट मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन, और ये वही चल रहा है, अभी तक हमने कोई सेकेंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजिन का यूज़ नहीं किया। फर्स्ट मोल में से एनिलीन यहाँ पे बाहर आ गया, और देखो ये फर्स्ट मोल ने ही कैसे इसको डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप में इस OH को चेंज कर दिया। ठीक है, इसने रीअरेंजमेंट से चेंज किया, तो यहाँ पे जो मॉडर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होने के बावजूद उसने इसको कीटोन में चेंज कैसे किया, तो उसने किया थ्रू द टोटोमेरिज्म, थ्रू द रीअरेंजमेंट, बनाइए इमिनो कीटोन। ठीक है, ये यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ सेकंड मोल रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन का। सो सेकंड मोल यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ फिनाइल हाइड्राजीन का, इसके H2 इसका O यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा, और हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड NH, बाकी सारे का सारा एज इट इज। ओके, तो थर्ड, अब हम यूज़ करेंगे थर्ड मोल ऑफ द फिनाइल हाइड्राजिन NH2 एंड एक H और एक फिनाइल ग्रुप। अभी यहाँ से जैसे तब हम कार्बोनिल के साथ ट्रीट करवाते थे अमोनिया के डेरिवेटिव को और बाहर आता था वाटर, यहाँ पे हम फर्स्ट कार्बन के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ से निकलेगा NH और यहाँ से H2, ये बन गया हमारा अमोनिया, ये था अमोनिया, यहाँ से बाहर आएगा अमोनिया, और ये वाला ग्रुप अटैच होएगा इस कार्बन फर्स्ट के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप, और ये हमारे पास आ गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो मॉडर्न मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ओसाजोन बनते हैं दिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें जो टोटोमेरिज्म होती है, तो ये बन गया हमारा ओसाजोन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ओसाजोन। ओसाजोन में क्या था, जो अगर हम ओसाजोन को शुरुआत से मैं बताऊँ, सबसे पहले मेरे पास था ग्लूकोज का, उसको मैंने पहले मोल, यहाँ पे हमने फर्स्ट मोल ऑफ द फिनाइल हाइड्रोजन को यूज़ किया, और तब हमारे पास ये बना, इसको फिर हमने किया टोटोमेराइज, तो उसके बाद हमारे एनिलीन जो था इस कंपाउंड से बाहर चला गया और हमारे पास इंटरमीडिएट आया इमीनो कीटोन। फिर तो आगे सिंपल मैकेनिज्म है, इमीनो कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप जनरेट हो गए, इसके साथ सेकेंड मोल, यहाँ पे ये सेकेंड मोल है, ये रिएक्ट किया, और फिर हमारे पास थर्ड मोल रिएक्ट किया, जिसकी वजह से हमारे पास अमोनिया बाहर चला गया और हमारे पास आ गया फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो पहला मोल था फिनाइल हाइड्रोजन का, उसने क्या किया, जो OH ग्रुप था उसको कन्वर्ट किया टू कार्बोनिल ग्रुप
इस ग्रुप में, और पहले मोल के फिनाइल हाइड्राजीन में से एक तो बाहर आया अमोनिया ये वाला, और एक जो स्टार्टिंग में मैंने एक ये वाली एनिलीन, ठीक है, एक बाहर आया अमोनिया और एक आया एनिलीन, और दो मोल, एक मोल यहाँ पे रिएक्ट कर गया, सेकंड मोल यहाँ पे, तो तीन मोल ऐसे, तीन मोल फिनाइल हाइड्राजीन के इस रिएक्शन में यूज होते हैं। अभी ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी सीरो केमिस्ट्री डिफरेंट है कार्बन वन और कार्बन टू पे, उनके ओसाजोन्स क्या होते हैं, सेम, उनके ओसाजोन होते हैं सेम। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्लूकोज और मैनोज, भी मैंने ड्रॉ किया ग्लूकोज और मैनोज, ग्लूकोज और मैनोज क्या एक दूसरे के एपिमर्स, सो सारे एपिमर्स के, सारे जितने भी एपिमर्स होते हैं उनका ओसाजोन क्या होता है सेम, सभी सारे के सारे एपिमर्स का ओसाजोन होता है सेम। फेलियर था कि ओसाजोन में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही क्यों लगते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, वो अदर पोजीशंस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, तो इसको आंसर किया कि जब हमारे पास ओसाजोन बनते हैं तो हमारे पास होते हैं ऐसे, मैंने इसको फिनाइल को ऊपर कर दिया, ये इसके नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न मैकेनिज्म क्या हो जाता है, जब दो बन जाते थे ना हमारे पास कार्बन वन और कार्बन टू पे ये रिएक्ट कर जाते थे, तब इन दोनों की आपस में हो जाती थी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये फॉर्म कर लेते अपने चिलेट, और इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये हो जाते थे एक्स्ट्रा स्टेबल, इसको हम बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट या चिलेशन, ये शो करते थे चिलेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाते थे, और फर्दर ये इस OH को कन्वर्ट नहीं करते थे डबल बॉन्ड O में, जिसकी वजह से ये चिलेशन की वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते थे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, इसी कारण कार्बन वन और कार्बन टू पर ही ये जो फिनाइल हाइड्राजीन है वो रिएक्ट करता था और हमें देता था ओसाजोन। ओके, सो ये था सारे का सारा अबाउट द ओसाजोन फॉर्मेशन इन ग्लूकोज। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।